हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार आज एक नए वीडियो के साथ, और आज मैं बात करने वाला हूं स्पेशली वैसी कंपनी जो कि इंडिया के बाहर लोकेटेड हैं और इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं। उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या चॉइसेस हैं। मैं पहले इस वीडियो, ये हम एक सीरीज बनाने वाले हैं, इस वीडियो के पहले वाले में हम बात करेंगे क्या क्या ऑप्शन हमारे फॉरेन एंटिटी जो कि इंडियन टेरिटरी में इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं और इंटर करना चाहते हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, और उस ऑप्शन को अगर अवेल करते हैं तो उसको क्या प्रोसीजर्स है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं, मैं स्टार्ट करने वाला हूं कि कैसे आप इंडिया में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, करने के लिए बहुत तरह के ऑप्शन है, लेकिन उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है लाइजन ऑफिस का। लाइजन ऑफिस वो होता है जो कि अपने पेरेंट कंपनी के बिहाफ में इंडिया में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करता। सही सुना है, ये लाइजन ऑफिस का मतलब है कि वो अपने पेरेंट कंपनी के बिहाफ में डेटा कलेक्ट करती है या उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में प्रमोट करती है, डेटा कलेक्ट करके अपने फॉरेन कंपनी को देती है। इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती, परमिटेड एक्टिविटी नहीं है। लाइजन ऑफिस का बेसिकली अगर हम बात करें तो ये डेटा कलेक्शन के साथ साथ इसके इनकॉर्पोरेशन की अपनी प्रोसीजर है कि आपका लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट होना चाहिए। साथ के साथ ये भी होना चाहिए कि आपका जो पेरेंट कंपनी है जो कि इंडिया में लाइजन ऑफिस खोलना चाहते हैं, उनका जो नेटवर्थ है वो 50,000 USD होना चाहिए। साथ के साथ इसके इनकॉर्पोरेशन की जो प्रोसीजर है वो हम आगे बात करेंगे। अभी हम केवल बात करें कि क्या क्या ऑप्शन है। यानी लाइजन ऑफिस के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन जो अवेलेबल है वो ब्रांच ऑफिस का। ब्रांच ऑफिस क्या होता है, वो आप उसमें कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब ये है कि इसमें आप वो अपनी कंपनी को तो प्रेजेंट कर ही सकते हैं, साथ के साथ इंडिया में आप जो आपका मेन ऑप्शन है उसके रिगार्डिंग आप बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि लाइजन ऑफिस में बिजनेस एक्टिविटी नहीं था, ब्रांच ऑफिस में आप बिजनेस एक्टिविटी करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, लेकिन दोनों केसेस में कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है। सही सुना, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्या प्रोसीजर्स हैं। और अगर आप ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हैं तो उसमें भी जो कंडीशन कहता है कि लास्ट 5 ईयर्स में आपके पेरेंट कंपनी में प्रॉफिट होना चाहिए और $1,00,000 का नेटवर्थ होना चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं उसमें, अगर हम देखें तो पहली चीज आप आपके अपने जो प्रोफेशनल सर्विसेज है वो दे सकते हैं, आप रिसर्च वर्क कैरी कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं जो टेक्निकल नो हाउ है उसके बारे में। इसके बारे में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो हम अपने जो सेपरेट ब्रांच ऑफिस के बारे में बात करेंगे उसमें बात करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट ऑफिस बना सकते हैं। प्रोजेक्ट ऑफिस बनाने के लिए क्या है कि इंडिया में आपको कोई वर्क एलोकेट होना चाहिए, और उसके भी क्वालिफाइंग कंडीशन है कि जो वर्क एग्रीमेंट है वो बायलैटरल होना चाहिए, उसमें जो फॉरेन कंपनी है उनको वो वर्क अलॉट हुआ हो, इंडियन कंपनी भी उन्हें प्रमोट काम करने के लिए वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन और एग्रीमेंट है वो प्रोवाइड किया जाए। ये तीसरा ऑप्शन है। अगर मैं चौथे ऑप्शन की बात करूँ, अब ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास कि आप इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी जैसे कि US में सी कॉर्प और एस-कॉर्प होता है, उसी तरह इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, एक ऑप्शन ये है। लेकिन प्राइवेट कंपनी बनाते समय आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको एक लोकल पार्टनर चाहिए। लोकल पार्टनर का मतलब ये है कि जो डायरेक्टर होंगे उसमें एक लोकल डायरेक्टर होना चाहिए। इसके अलावा जो और ऑप्शन है वो है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यानी कि मैं बात करूं कि अगर आप चाहें तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी यहां पे बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके थ्रू भी आप बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। और जो एक और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर का मतलब यह है कि आपने किसी इंडियन कंपनी के साथ एक टाई अप किया और आप दोनों लोगों ने मिलकर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट और सेटअप की इंडिया में, जो कि पार्टिकुलर उसी प्रोजेक्ट के लिए जो भी आपने एक ज्वाइंट वेंचर बनाया उसके लिए वो एलोकेटेड होगा। यानी अगर मैं बात करूं कि जो इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री हो, अगर आप इंडिया में इंटर करना चाहते हैं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स है, लीगल स्ट्रक्चर्स हैं जिसके थ्रू आप इंडिया में इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस हैं, बट ये मेजर ऑप्शन है जो कि आपको अवेल करने की ज़रूरत है। और इसमें अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम है, वो हम आप जब अलग अलग जब वीडियोस बनाएंगे हर प्रोडक्ट के बारे में उसमें हम डिटेल चर्चा करेंगे कि आप कैसे ये कर सकते हैं। तो
आज के लिए हमारा वीडियो जो वीडियो हो उसी के लिए है कि केवल आप किस तरह से इंडिया में एंटर कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं और किस तरह से आप अपना सेटअप यहां स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो हम वो मदद आपको दे सकते हैं। आपको किसी भी तरह की लीगल कंसल्टिंग चाहिए वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।